अब हम लोग जो है आज एक रिलेशन बनाने वाले हैं कि दर्पण जो होगा गोली दर्पण, उससे वस्तुएं कुछ आगे रखी हुई हैं, तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति पता है, वस्तु की स्थिति पता है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इससे इसको निकालना है तो क्या फार्मूला होगा? तो आज हम लोग जो है एक फार्मूला डेवलप करने वाले हैं गोली दर्पण के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है एक अवतल दर्पण ले लेता हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण की हेल्प से अवतल दर्पण में लेता हूँ और उसी से हम लोग फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, फार्मूला डेवलप करते हैं। सूत्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाई स्कूल में ये अच्छे मार्क्स का पूछा जाता है और इंटर में भी कभी कभी ये आ जाता है, तो इस लिहाज से हम लोगों को इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम उत्तल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये हमने एक अवतल दर्पण लिया, ये हमारा हो गया एक अवतल दर्पण, ठीक। ये इसका द्वारक हो गया जो हमने बताया था, M1 से लेकर के M2 इसका द्वारक हो गया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ऐसे ये इसका पोल हो गया, ध्रुव जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पॉलिश कर लिया, ये हो गया पॉलिश, ठीक है। अवतल दर्पण है ये हमारा, ठीक, अवतल दर्पण, ठीक है। अब जो है इस अवतल दर्पण के सामने ये जो दर्पण है जिससे काटा गया है, मान लेते हैं इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो सी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, OO-, ठीक। अब OO- जो ऑब्जेक्ट रखा है, इसके O- से हम एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित कराते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित हो गया, ये हमारी वस्तु है जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपतित प्रकाश जो समांतर चल रही है, हमें पता है कि हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित फोकस से ही होकर के जाता है, ठीक है। तो ये जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ से होकर के जाएगा, मुख्य अक्ष से होकर के जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जिस बिंदु पे ये आके टकराया है, इसका नाम है ए, मान लीजिए दर्पण के ए बिंदु पे आया था ये, ठीक है। यहाँ से एक हम अभिलंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। कहाँ पे आके आपतित होता है, एंड पॉइंट पे आपतित होता है, ठीक है। ये बिंदु क्या हो गया आपका, फोकस बिंदु हो गया, ठीक है। ये हमारा फोकस बिंदु हो गया, ठीक है, इस जगह पे फोकस होगा। अब इसके बाद जो है प्रकाश जब आपतित होंगे, अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरणें आवश्यक है। आप जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको दो प्रकाश की किरणें चाहिए होंगी, ठीक है। तो दो प्रकाश की किरणों के लिए आप कहीं से भी दो बना सकते हैं। एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित कराई, और दूसरी मान लीजिए हमने यहाँ से O- से स्टार्ट किया और ये वक्रता केंद्र से होती हुई हमने ऐसे करके भेज दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग वो कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को और दूर कर देते हैं ताकि बढ़िया से चित्र बन जाए, ठीक है। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को और दूर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, इस जगह पे ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या होगा, यहाँ से हम एक प्रकाश की किरण ऐसे भेज देंगे। आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है, तिरछा हो जा रहा है। ऐसे करके मैंने क्या किया, वक्रता केंद्र से एक लाइट को ऐसे पास कराया, ठीक। वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइट की एक खासियत होती है कि वो जिस मार्ग से आती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस जाती है। तो अब ये यहाँ पे आई और ऐसे ही वापस जाएगी, ऐसे वापस जाएगी, ठीक है, ये सेम वैसे वापस जाएगी जैसे आ रही थी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एक ये परावर्तित लाइट है और एक ये परावर्तित लाइट है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही, इस बिंदु पे कट कर रही है, ठीक है।
तो जहाँ पे कट करे उस बिंदु का नाम होता है आई डैश, ठीक है। ये प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यहाँ से लंब बना दिया मुख्य अक्ष पे, तो ये हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आया है, और दर्पण के इस बिंदु को हम बी नाम दे दें, इसका ए नाम दिया था, जहाँ पहली किरण आपतित हुई थी, जो दूसरी किरण आपतित हुई वो कहाँ पे हुई, बी बिंदु पे हुई है, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम विधिवत समझ लेते हैं, क्या चीज़ क्या है। इसको आप जानते हैं ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस बिंदु कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब हम जो है ये जो सी से पी के बीच की दूरी है, सी से पी, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ये जो दूरी है सी से पी की दूरी, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो इसकी दूरी हम ले लेते हैं आर, ठीक है। स्मॉल आर ले लीजिए, कैपिटल आर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमने अभी साइन कन्वेंशन सिखाया था, पी यहाँ पे है, पी के आगे की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, पी के पीछे की दूरी क्या हो जाएगी, प्लस। प्रकाश तो ऐसे जा रहा है ना उल्टे हाथ की तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये जो एफ है और पी है ना, एफ से पी की जो दूरी है जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं, ये क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी हमारी कितनी होती है, स्मॉल एफ, ये भी पी के आगे ही मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, सॉरी। इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ओ ओ डैश से, और यहाँ पे जो पी की दूरी है, मतलब हम कह सकते हैं ओ से जो पी है, इस दूरी को ओ से पी की दूरी को कहते हैं वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु यहाँ पे रखी है, वस्तु की दूरी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ये भी पी के क्या मिले, आगे मिले, इसलिए इसका भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, आई है ना, आई पे बना है, और ये पी है, तो अगर आई से पी की दूरी की बात करें तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, किसकी हो गई, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम वी से लिखते हैं, और ये भी पी के क्या है, आगे ही मिल गए, तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जिनको जानना आवश्यक था, जो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। बाकी आर और एफ में रिलेशन आप जानते हैं बहुत कायदे से, कि जो एफ होता है, ठीक है, वो आर का क्या होता है, आधा होता है, ये भी पिछले वीडियो में आपने देखा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल इसके डेरिवेशन की तरफ। अब हमको मालूम है कि यहाँ पे एक त्रिभुज ये है आपका, अगर ध्यान दीजिए तो ओ ओ डैश सी, ओ ओ डैश सी, तथा दूसरा जो त्रिभुज है सी आई आई डैश, सी आई जो त्रिभुज ओ ओ डैश सी, तथा त्रिभुज सी आई आई डैश समकोणिक है, कैसे हैं, समकोणिक, राइट एंगल है ना, समकोणिक का मतलब जिसमें 90 अंश का कोण बन रहा हो, देखो यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो समकोणिक त्रिभुज है। अब समकोणिक त्रिभुज यदि हैं तो उनकी एक खास बात होती है कि इनकी भुजाओं के अनुपात हमेशा समान होंगे। अगर हम कहें कि ओ ओ डैश का अनुपात ओ सी से लिया जाए, और वही काम आई आई डैश का अनुपात, इन दोनों त्रिभुज की बात हो रही है, आई आई डैश का अनुपात आई सी से लिया जाए, तो ये बराबर होगा, ये एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे हम देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी समकोणिक है, मतलब आई आई डैश एफ जो त्रिभुज आई आई डैश एफ है, तथा दूसरा त्रिभुज ये वाला, ठीक है, एफ ए एन, त्रिभुज एफ ए एन भी क्या है, समकोणिक है, ठीक है, राइट एंगल है, तो जब ये भी समकोणिक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनके भी अनुपात, मतलब ए से एन का अनुपात, एफ से एन के अनुपात, इधर आई से आई डैश का अनुपात, और आई डैश आई से एफ का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा,
अब क्योंकि ये जो डायग्राम बनाया है, ये जो दूरी ए से एन है ये भी बहुत पास है, और ये एन पॉइंट लगभग पी के क्या है, इक्वल में है, पास में, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, क्योंकि हमको पहले से पता है कि ए एन जो है, ये ए एन तो समांतर लाइन चली आ रही, तो ये ए एन दूरी तो उतनी है जितनी ओ एफ है, मतलब जो ए एन है हम उसको कह सकते हैं ये तो ओ ओ डैश ही है। क्यों? क्योंकि ये तो समांतर दूरी, समांतर का मतलब ही होता है सब जगह डिस्टेंस बराबर, तो जो वैल्यू ए एन की है वही वैल्यू ओ ओ डैश की होगी, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद अगर हम एफ एन की बात करें तो जो एफ एन है ये एन और पी लगभग बिल्कुल पास में है, तो एन का काम खत्म, ये जो एफ एन है हमारा वो भी लगभग किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। आई बात समझ में, ये दूरी भी बिल्कुल पास है। तो अगर ये दोनों वैल्यू इसमें रख दी जाए तो जो ओ ए एन था वो ओ ओ डैश हो जाएगा, जो एफ एन था वो एफ पी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका आई आई डैश और आई एफ था ये सेम रहेगा, ये इक्वेशन नंबर हमारी दो हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो एफ पी, देखिए ये एफ है और ये पी है, ठीक है, ये दूरी, और जो हमारा आई सी है ये दूरी, ठीक। अभी हम रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ओ डैश आई डैश को एक तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करना है आप, जैसे आप हाई स्कूल में दो वेरिएबल में इक्वेशन बनाया करते थे, ठीक है, उन दोनों वेरिएबल्स को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर ले। तो हम पहले क्या करते हैं, हमको देख रहा ओ ओ डैश आई आई डैश ओ ओ डैश आई आई, तो इन दोनों को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल्स टू, ये यहाँ है तो ये कहाँ चला जाएगा, ओ सी वहाँ चला जाएगा अपॉन आई सी हो जाएगा, है ना। इस इक्वेशन की भी हम लोग ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल्स टू एफ पी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, आई एफ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश ये है ओ ओ डैश, तो जब दोनों ये तो एक ही बात लिखा है, इक्वेशन वन भी इक्वेशन टू भी एक ही बात बता रहा है कि ये मान इसके बराबर ये मान इसके, तो इसका मतलब ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, है ना। मतलब हम कह सकते हैं समीकरण एक व समीकरण दो से, ठीक है, दोनों क्या है आपस में बराबर है, मतलब ओ सी अपॉन आई सी बराबर है एफ पी अपॉन आई एफ के, ठीक है ना। ये बात समझ में, ये तो एक ही चीज़ लिखी, तो ये भी एक ही चीज़ होगी तभी तो बराबर होंगे। अब इस इक्वेशन में हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, ओ सी कौन सी दूरी है, ओ यहाँ है सी यहाँ है, ओ सी, ओ सी है वस्तु की दूरी, है ना, ओ से सी जो है वो वक्रता केंद्र से कितना आगे रखा गया। तो देखिए हमें टोटल दूरी के बारे में मालूम है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी, ओ से पी क्या है, वस्तु की दूरी, है ना। तो ओ से पी वस्तु की दूरी है, अगर उसमें से हम क्या घटा दें, ये दूरी घटा दें, सी पी हटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो हमें अब सिर्फ रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओ सी है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ओ पी, और उसमें से ये पूरा ले लिया, अब भैया इतनी दूरी तो हटानी पड़ेगी, तो माइनस कर देंगे किसको, सी पी को, बटे आई सी, देखो वहाँ है आई यहाँ है सी यहाँ है, तो हमें मालूम है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, सी पी है, सी पी हमें क्या चाहिए थी, आई से सी चाहिए थी, मतलब ये दूरी एक्स्ट्रा हो रही है ना, तो ये दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, आई पी माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो ये दूरी हमें मिल जाएगी। ऐसे एफ पी, एफ यहाँ है पी यहाँ है, ठीक है, ये तो हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सेम सेम है, फोकल दूरी के बराबर है, तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं। आई एफ, आई कहाँ है, यहाँ एफ, अब ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी क्या करेंगे, टोटल दूरी कितनी है, आई पी, आई पी में से हम क्या करेंगे, एफ पी घटा देंगे, एफ पी क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गए, हमने रिलेशन बना लिया। ओ पी का मान कितना है, वस्तु की दूरी किसके बराबर है, ओ पी माइनस यू के बराबर है। सी पी देखो कहाँ है, सी पी माइनस आर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद
बटे में, और सी पी, फिर सी पी क्या है, माइनस आर है, आई पी, आई पी क्या है, माइनस वी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ पी क्या है, एफ पी, एफ पी देखिए ज़रा, एफ पी है फोकस दूरी कितनी है, माइनस एफ पी है, ठीक है। आई पी देखो कितना है, आई से पी, आई पी कितनी है, माइनस का वी है, ठीक। फिर क्या एफ पी कितना है, एफ से पी कितना है, ये माइनस का एफ है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा, ठीक। सारी दूरियां हम लोगों ने रख ली। अब सिंपल सा इसको कैंची गुड़ा करके इक्वेट करना रह गया है, ठीक है। तो चलिए इक्वेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इक्वेट करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका इससे गुणा, माइनस यू प्लस आर का गुणा करना है किससे, माइनस बी प्लस एफ से, इज इक्वल टू माइनस एफ का गुणा किससे करना, माइनस आर प्लस बी से करना है, ठीक है। अब ये गुणा करना रह गया है, इजली करिए, माइनस माइनस प्लस यू इंटू वी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यू इंटू एफ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आर वी हो जाएगा, प्लस 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 आर इंटू एफ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एफ इंटू आर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एफ इंटू वी हो जाएगा। तो देखिए आर एफ तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या क्या रह गया, यू वी, अब ये सब माइनस वाले सब एक तरफ करते, प्लस वाले एक तरफ करते, अगर हम इसको जो है इधर ही ले आए, ठीक है, एफ वाले सब एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, इधर लिख देता हूँ सेपरेट करके, ठीक है, या इधर का रफ कर देते हैं, ये इधर का सभी को समझ में आ गया होगा, इधर का रफ करते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग बना सके, ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको R जहाँ से आया, R की वैल्यू हमें पता है f बाई टू होती है, तो चाहें तो एक बार वैल्यू रख देते हैं ताकि ये और आसान हो जाए, यू वी माइनस यू एफ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, f बटे दो, तो f v बटे का दो आ जाएगा, सॉरी 2f आ जाएगा, क्योंकि R है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2f के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एफ वी, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस एफ वी, ठीक है, इसको उधर लिए चलते हैं, जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2f हो जाएगा, है ना, इसको भी उधर ले चलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ये जो वैल्यू बन जाएगी, ये आ जाएगी, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यू एफ प्लस का हो गया, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 2f वी हो जाएगा, एक माइनस का पहले था तो एक एफ वी बचेगा, एफ वी एक बच गया, फिर ये क्या है, यू वी है, यू वी इधर पहले था, ठीक। ये हमारी इक्वेशन बन गई। हम क्या करते हैं कि इस पूरे समीकरण को, ये जो समीकरण नंबर मान लीजिए तीन बनी है ना, तो क्या करेंगे, समीकरण तीन को एफ यू वी से भाग देने पर, भाग देने पर, तो जैसे भाग देंगे यू एफ को भाग देंगे यू वी एफ से, इसको भी भाग देंगे यू वी एफ से, इसको भी भाग देंगे यू वी एफ से, है ना। देखो यू और एफ कैंसिल, मतलब यू एफ कैंसिल, एफ वी कैंसिल, एफ और वी कैंसिल, यू वी कैंसिल, तो क्या बच गया, वन अपॉन यू बच गया, वन अपॉन वी बच गया, इज इक्वल टू वन अपॉन एफ बच गया। ये जो हमारा सूत्र बन के आया है, इसी को हम कहते हैं दर्पण का सूत्र, यही हमारा दर्पण का सूत्र है, इसी को डेवलप करना था, यही हमारा फॉर्मूला था, हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि दर्पण के लिए सूत्र निर्मित करें। तो वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू वन बाई एफ होता है। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन था, इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, जब वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगी हुई है, समरूपता यूज़ की गई है कि दो समरूप त्रिभुज कैसे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका यूज़ करके यहाँ पे इस डेरिवेशन को किया गया है, ठीक है। ये हाई स्कूल वाले अच्छे से तीन चार बार लगाएं, ठीक है, तो उनको समझ में आ जाएगा, और ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी पे भी अच्छे से